फाइनली हमारा लगेज बांध के हो गया। अभी हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे, बट अभी निकल रहे। कोई बात नहीं, कितना पसीना आ गया। कितना बजा भाई, टाइम देखो भाई, 6:15 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 6:15 दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है? फॉगी फॉगी हो गया है पूरा। 6:15 हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे, बट अभी 6:15 हो रहा है। ठंडी के मौसम में भी गर्मी हो रही है। ठंडी पॉन्टा द राइडर हो रहा है, ठंडी के मौसम में भी गर्मी हो रही है, क्या करे अभी। लगेज बांधना, पहली बार इतना बड़ा ट्रिप पे जा रहे। अरे बाय द वे, इंट्रो करना भूल गया भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू आवर यूट्यूब चैनल रील्स गेमिंग एंड ब्लॉग्स। आज बहुत दिनों बाद वापस आए हम लोग, वो भी लंबी राइड लेके। आप बोल रहे थे ना लंबी राइड पे जाओ, बाहर जाओ, सो ये टाइम जा रहे। और बाय द वे कोई चैनल वगैरह बंद नहीं किया हम लोग ने, खाली एक छोटा सा इंटरवल मतलब ब्रेक लिया था हम लोग ने, बड़े राइड का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम तो लगता ही है। सो चलो मिलते हैं रोड पे। चलो गणपति अप्पा मोरिया। अभी अपने ट्रिप कर दिया 0 और अभी बजे है 6:39। तो पता नहीं अभी हम लोग कितने बजे तक पहुँचेंगे। बाय द वे हम लोग का रूट आज का बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं गोवा वाया मुंबई गोवा एक्सप्रेस है, ओल्ड मुंबई गोवा एक्सप्रेस है। कोकन वगैरह करके हम लोग जाएंगे, पहले जाएंगे गणपतिपुले, बापा के दर्शन तो होने चाहिए ना भाई इतने बड़े राइड में। अरे आपने बापा देखा कि नहीं? बापा से याद है, देखो बापा, ये आशीर्वाद चाहिए, बापा के आशीर्वाद से ही सब होता है। सो अभी चलेंगे। एक्चुअली हाँ, अपना टॉपिक क्या था, हम लोग जा रहे हैं गोवा पर 2 दिन कोकन में रहेंगे, उसके बाद जाएंगे गोवा। सो ये सीरीज इंटरेस्टिंग रहेगी, सो आप पूरे सीरीज देख लेना। गोवा कोकन दोनों भी एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो रत्नागिरी गणपतिपुले जाने का प्लान है, उसके बाद जाएंगे मार्लेश्वर, उसके बाद जाएंगे गोवा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी ऑलवेज। ओ भाई साहब, अरे यार क्या वेदर बना है, नेक्स्ट लेवल। हाँ देखा, कुछ दिख रहा ही नहीं है भाई। अभी हम लोग आ गए वर्कर नाका के आगे, बहुत जोर की भूख लगी थी। अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं, ये देखो हम लोग ने मिसल, बड़ा मिसल मंगाया है ये भाई, थोड़ा डाइट पे क्रैक जैक खा रहे भाई। भाई बहुत गंदा हालत हो रहा है भाई, गाड़ी का शर्ट की हालत भाई। अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। अभी यहाँ मुंबई से यहाँ तक का 88 किलोमीटर हो गया। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे भाई? ये बिस्किट ना वड़ा उसल के ना, ये बोलते सांभर भाई। आपने कभी ऐसे ट्राई किया है? पॉग है बहुत, या आपने तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है,
पूरा लेंस पे पानी आ रहा है तो ब्लॉक करने के लिए मुश्किल हो गया, मोटर ब्लॉक करने के लिए मुश्किल हो गया। सो अभी डायरेक्टली एक तो स्पॉट्स में मिलेंगे या जहाँ पे धूप होगा वहाँ पे हम मैं मोटर ब्लॉक चालू कर। सो मिलते हैं अभी जहाँ तक फिर अपने को वापस चल। आता सवा बारह झालेले, कूलर नाही, पेट्रोल पडलं। कसं काय पेट्रोल टाकी फुल झाली की पेट्रोल लीक होते? फुल झाली आता झाले सव्वा बारा, पाऊस गेला, आता ऊन पडलंय कडकडीत। आता डायरेक्टली तुम्हाला मोटर ब्लॉक दाखवू शकतो, सो त्याचा काही इश्यू नाही आहे। आता आता डायरेक्टली आपण जाऊया रत्नागिरी, बघू पोचेपर्यंत किती वाजतात। इथून 4 तास दाखवत आहेत, सो डायरेक्टली निघू, तुम्हाला सांगू काय होतं आहे काय नाही ते। चला बघूया रोडवर भेटू। अरे साहब क्या व्ह्यू है, देखो व्ह्यू, फाइनली वी रिचेड गणपती पुले। अभी टाइमलैप्स निकालेंगे, आपको वो टाइमलैप्स वीडियो में भी दिखेगा। सो अभी हम लोग आए हैं गणपति फुले के यहाँ पे। चेहरे की हालत देखो यार, क्या गंदा रोड था, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सो अभी फटाफट जाके दर्शन लेते, तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाय। फाइनली गणपति फुले पहुँच गए। सो ये देखो मंदिर, ये देखो दो भूखे भूखे लोग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है, देखते कुछ हो पाएगा जुगाड़ तो देख लेते। चलो दर्शन लेके आते हैं। अभी हमारा दर्शन लेके हो गया है, हम लोग का दर्शन खाली 10 मिनट लगा दर्शन लेने में, और वो पहचान वाले थे इसके लिए 10 मिनट में हो गया डायरेक्टली। बहुत बहुत सही हुआ भाई, बापा गए आपने, मतलब पहली राइड अपनी बड़ी राइड जो है, पापा का दर्शन बहुत सही मिला। आपने जो भी हमारे नाम से पूछा स्पेशली हमारे नाम से, ये आपको ये जो पल था वो आपको नहीं शूट करने मिला बिकॉज वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। हाँ। बट स्टिल बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और जो बोलते ना कि पहचान की वजह से उन्होंने हमारे नाम से पूजा की पापा के लिए, बहुत वो अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी राइड के लिए, पापा का दर्शन मिला, पापा का आशीर्वाद मिला। इतने बड़े मंदिर में आके अपना नाम से पूजा करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो चलो अभी मिलते हैं घर पे जाके, अभी रात हो गया तो ब्लॉग नहीं कर सकते। पहले जाके खाना बनाना है, फिर खाना खा के सोना, और सुबह निकलना है। 5 रुपए वाली मैगी खा के फ्यूज, बोलते ना कि 2 मिनट में बना के खुश हो जाए खा के, हमें जाके परोसना है बनाना है बस। चलो आपको मिलता है अभी डायरेक्ट घर पे, रूम टूर दिखाएंगे। अभी जस्ट हम लोग घर पे पहुँचे हैं, अभी हम लोग जस्ट घर पे पहुँचे हैं। अभी ये देखो पोंटा द राइडर खाना बनाते हुए, क्योंकि खाना नहीं मिला इतने रात को, गांव में खाना नहीं मिलता ना इतने रात को, 10:30 बज गए हम लोग को यहाँ पे आते आते। 460 किलोमीटर आज गाड़ी चलाया हम लोग ने, और वो रोड भी माँ कसम, पोंटा द राइडर रोड कैसे थे, एकदम मस्का ना मस्का ऐसे गाड़ी फिसल रही थी, गाड़ी उठा के लेके आते हाँ वो गाड़ी उठा के लेके आते। अरे भाई मैं तो बोलता मैं गाड़ी उधर छोटा था, मैं चल के आ जाता था। अरे भाई साहब क्या रोड थे, इतना गंदा रोड ना देखे वो कंधे पे। तू भूखा रहेगा साले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा आज। ये देखो जा बाथरूम में, बाहर से बंद करके रखूंगा। ये देखो ये देखो इसकी हालत है। इसको अभी तक एक टोप नहीं उठा रहा जा रहा है, इतना गाड़ी से हाथ चलाते चलाता है वो टोप नहीं उठा रहे जा रहा है। ये बाल्टी में ना कौन नहाता है, ये बाल्टी में कौन पानी पानी देखो कितना लिया। सो पोंटो भाई अपन कहाँ थे, मूवमेंट वाला नहीं नहीं ना आज के मूवमेंट मतलब इतने प्यारे, मतलब बोलते ना कि 450 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई ना हमने, 460
460 अच्छा 460 हुआ बोल यस 460 जो हमने चलाई ना वो वर्क था, मतलब जितना भी तकलीफ हुआ गाड़ी चलाने में वो पूरा, जब हम गणपति पुरे पहुंचे उससे पहले हमने सनसेट देखा, सनसेट का हमने व्यूज फोटोज वगैरह सेक्शन बहुत अच्छा हुआ। सेकंड थिंग कि गणपति पुरे जब पहुंचे हमारा जो दर्शन इतना प्यारा था, इतना प्यारा, और खास करके रमेश भाई, हाँ मैं उनको एक थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उनकी वजह से हम लोग को अच्छा, मतलब एक बोलते ना कि हमारी पहली बड़ी राइड है और वो एक मतलब यादगार मोमेंट हमारा रहा। हाँ। कि उन्होंने हमारे तीनों के भी नाम से पूजा कराई वहाँ पे, वो भी बहुत मतलब ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं कि जो मिलते हैं और इतने को इतना बड़ा हेल्प कर दे सबको, और वो भी इतने बड़े मंदिर में अपने हमारे नाम की पूजा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक्चुअली हम लोग का इशू क्या हो रहा था कि हम लोग लेट हो रहे थे, हम लोग को लगा ना ही गणपति मंदिर मिलेगा ना ही सनसेट मिलेगा, वो सनसेट होते हुए देखना सब ड्रीम होता है हर एक बाइकर का। हाँ अपन कहते वो श्री एंजल्स वाले दोस्त अक्षय वाघमारे, ओके ओके ओके, हाँ भाई उन्होंने भी अच्छा गाइडेंस दिया, गाइडेंस ऐसे बंदे थे वो अभी श्री एंजल्स करके जो है यूट्यूबर है हमारे, मतलब रितेश उनको फॉलो करते हैं, उनके पूरे के पूरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, मेरे बिजनेस शॉप है भाई का कपड़े का शॉप, बट उसका इंस्टाग्राम का रील में ये इंस्टाग्राम का रॉयल लुक करके हमारा ये है पेज है, आप जाओ वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी, कोई भी क्लॉथ अगर आप उसमें चॉइस करते हो मुझे DM करो वहाँ पे। हाँ शिपिंग चार्जेस जो भी रहेंगे एक्स्ट्रा वो हम आपको बताएंगे, बट ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी और रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा भाई। अपनी छोटी फैमिली 180 बंदों की, अगर उसमें से किसी ने आपको मैसेज किया तो आप डिस्काउंट, आप अगर मैसेज करते हो आप बोलते हो कि रिट्स गेमिंग एंड व्लॉग्स ये चैनल से हमने आपकी वीडियो देखी और यहाँ पे आप बुक करने के लिए आए हैं, तो आपको उसमें भी हम डिस्काउंट देंगे, जरूर देंगे। रितेश भाई के लिए ये तो जरूर बनता है, ठीक है चले देखते भाई, जरूर लेना कपड़े बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। टाइगर राइडर खाना बना रहे, सो अभी खाना खा के सो जाएंगे। ऐसा सीन है ना कि ये बंदों ने ना कभी शायद से खाना नहीं बनाया वो प्रसाद मेरे को ऑमलेट आता है भाई, ऑमलेट आता है मैं बना रहा हूं, ठीक है, बट प्रसाद उसको ना कांदा जो है ना छिलना नहीं आता, वो देखिए कैसे छिलते, मतलब आता है नहीं नहीं मतलब वो देखो इधर देखो, इधर पीछे देखो पीछे शर्मा गया बड्डा। चलो अभी कल सुबह मिलते हैं, बस आलसी हो चुका है बाकी कुछ नहीं, नहीं तो फिर वो हर एक चीज कर सकता है वो, तो मम्मी ना हर एक चीज उसको सिखा के रखी है भाई, वो सैंडविच बहुत अच्छा बनाता है, बहुत क्या होता है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।